नमस्कार कैसन बार हुआ लोग आशा हुई सबकी अच्छा होगी मन स्वस्थ हुई। वेलकम टू माय चैनल श्वेता विभूति फूड एंड ब्लॉग। और आज मैं लेके आई हूँ ठेले वाली चाट की रेसिपी। सबसे पहले हम ये काबली मटर है जो येलो वाला था उसको पानी में भिगो देंगे। उसके बाद ये 8 घंटे लगेगा लगभग। और ये 8 घंटे बाद देखिए अच्छे से फूल चुका है, बड़े बड़े दाने हो गए हैं। और अब इसमें सिर्फ हम हल्दी और नमक और थोड़ा पानी, ज़्यादा पानी नहीं तो बहुत फिर रनिंग हो जाएगा, डाल करके इसको अच्छे से पका लेंगे प्रेशर कुकर में। मतलब बस 6 से 7 मिनट तो लगेंगे। फिर ये इमली है तो इमली को हम पानी में सोक कर लेंगे ताकि इसका मतलब अच्छे से पल्प निकल जाए। और उसके बाद तो उसके बाद ये देखिए छोले हो रहे हैं, तब तक इधर बाकी प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ। तो पापड़ी के लिए मैं आपको पापड़ी चाट ही बनाऊँगी, टिक्की चाट दोनों बनाऊँगी। तो पापड़ी के लिए सबसे पहले मैंने आटा लिया और उतना ही सूजी लिया है। इसमें बिना कुछ डाले इसको हम थोड़ा सा टाइट, मतलब नॉर्मल जो डो होता है ना वैसे ही बनाएंगे, बहुत टाइट भी नहीं। ये देखिए ऐसा थोड़ा पानी जा रहा है डालेंगे ताकि सूजी अब्सॉर्ब करता है पानी। ये देखिए हमारे मटर भी हो गए हैं, मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला था। अब इसमें बेसिक से मसाले जाएंगे, ये चाट मसाला, अमचूर, चिली फ्लेक्स, धनिया जीरा भुना हुआ और नमक, सॉरी लाल मिर्च पाउडर। नमक तो डाल चुका है मैंने। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके तो छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम चाट बनाएंगे तब इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे। ठेले पे देखते होंगे आप ऐसे ही सूखा सूखा मटर रखते हैं ना, हम इतना मिक्स करके इसको छोड़ देंगे, रख देंगे अपना। और उसके बाद हम तब तक पापड़ी की तैयारी कर लेंगे। तो मैं अच्छे से सूजी फूल चुका था। और देखिए अच्छे से आटा डालने से क्या होगा ना, आपको स्ट्रेच नहीं होगा, तो इसलिए मैं आटे का प्रेफर करती हूँ। फिर इतने ऐसे पतले बेल बेल करके इसको मैं छोटे छोटे पूड़ी में काट ले रही हूँ। उसके बाद गरम तेल में इसको फ्राई कर लूँगी एकदम क्रिस्पी होने तक। तो इसको मीडियम टू हाई हीट पे आप कर सकते हैं, लो फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्रिस्पी निकलेगी क्योंकि सूजी है ना, सूजी से क्रिस्पी होती है। उसके बाद ये आलू बॉयल कर रखा है मैंने टिक्की के लिए, तो उसमें से एक आलू मैंने फोल्ड किया। उसमें मैं ये मक्के का आटा, धनिया जीरा और नमक इतना ही डाला। मक्के का इसलिए आटा डाला है कि बाइंडिंग में बहुत अच्छा जाता है ये और हेल्दी भी होता है। तो इसको मैं ना तवे पे नहीं, थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि ये टूटे ना, इसलिए बाइंडिंग के लिए मैंने डाला है इसको। अब ये देखिए सारा प्रिपरेशन हो चुका है। ये है आलू, ये पापड़ी चाट की तैयारी, आलू प्याज और सब में मसाले तो सेम ही जाएंगे। पापड़ी देख सकते हैं आप और इसकी आवाज़ भी सुनिए। और सब जो टमाटर होता है, मूंगफली, हरी मिर्च, यही सारा कुछ है। और फिर चटनी बना लेते हैं इमली का पल्प निकाल के, इसमें धनिया जीरा तो मस्ट है, नमक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे और ये नमकीन वाली चटनी है ये। और मीठी चटनी मैं रेडीमेड वाली यूज़ करती हूँ, जो सोठ वाली होती है ना, ये बहुत अच्छी रहती है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके इसको थोड़ा सा हल्का सा पतला कर लूँगी। उसके बाद फिर ये दही है, दही को फेंट लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा पतला कर लेंगे दही को भी। और फिर पापड़ी तो हो चुका, उसी तेल में हम ये अपना टिक्की फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई टिक्की का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब ठीक है अनहेल्दी है पता है, बट ठीक है कभी कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फ्राई कर लेते हैं हम उसी सेम तेल में जिसमें टिक्की पापड़ी बनाया है मैंने। तो देखिए क्रिस्पी कितनी अच्छी हो गई, तवे पर ये टेस्ट नहीं आता है जो इसमें आता है। तो अब फिर ये छोले में थोड़ा सा पानी डाल के इसको नीला कर लेंगे अब, क्योंकि इसकी प्लेटिंग करनी इसलिए। उसके बाद अब सब कुछ रेडी है, अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग करने के लिए हम। और टेस्ट तो मत पूछिए, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तो ये सारा कुछ हमारा रेडी है, सारा कुछ आइटम पापड़ी चाट और टिक्की चाट का। तो सबसे पहले टिक्की चाट बनाएंगे हम, तो टिक्की की प्लेटिंग करेंगे। इसको जैसे फोड़ते हैं ना ठेले वाले, दबा देते हैं वैसे दबा देंगे हम, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की है, क्योंकि मक्के का आटा डाला था ना उससे क्रिस्पीनेस बढ़ गया है बहुत अच्छा। और उसके बाद छोले डालेंगे, जो मतलब जैसे प्लेटिंग होती है वैसे ही करेंगे, चटनी अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, नमक अपने अनुसार एडजस्ट करेंगे जैसे जिसको जो चाहिए। हाँ। तो सब कुछ डालते हुए और इसको हम बारिश के दिन में चाट, अगर घर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर थोड़ा सा लगता है वो भी अब लगता है, हम लोग तो पहले खाते ही थे अच्छे से, बाहर का कुछ नहीं होता था, बट अभी पानी इतना हाइजीनिक हो गया कि फिर डर लगता है, तो घर में खाना अच्छा है। तो ये सब कुछ प्लेटिंग, दही, मीठी चटनी, नमकीन चटनी, सब कुछ डाला, मसाला मैं धनिया जीरा भुना हुआ डाला, नमक डाला, चाट मसाला डाला, जो भी आपको पसंद हो डाली, उसके लिए पापड़ी डाला छोड़ करके। मुझे चाट में खास करके पापड़ी बहुत पसंद है, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी जितनी हो। तो मैं ना ठेले पर बहुत छुड़वाती थी, दो तीन तो डलवाती ही थी, तो गुस्सा करके देखता था ठेला वाला,
एक से ज़्यादा नहीं देता था लेकिन मैं लेती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए चाट तो हमारा रेडी हो गया है एकदम। अब डाल बनाते हैं अपनी पापड़ी चाट। पापड़ी हमारी रेडी है तो इसको आप असेंबल करेंगे जैसे करते हैं बाजार वाले। आलू डालेंगे, सिर्फ अनारदाना नहीं है, वो लोग अनारदाना भी डालते हैं, मेरे पास अनारदाना नहीं है। और मसाले डालें जो बेसिक से मसाले हैं, धनिया, जीरा, लहसुन, मिर्ची, नमक, सब कुछ चटनी बस ही डालेंगे। बस इसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ डालेंगे, उससे चाट में भी जाता है, जो सेव आता है वो बस।